हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि हाउ टू गेट योर वीडियो सजेस्टेड बाय यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने यूट्यूब के वीडियो को सजेस्टेड में कैसे लाएं। तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, अगर आप उनकी एक वीडियो वॉच करते हैं तो उनकी नीचे जो भी उनके सजेस्टेड वीडियो आती हैं उनमें उन्हीं की वीडियो आती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी ट्रिक को जानेंगे कि किस तरह हम अपने YouTube के वीडियो को सजेस्टेड में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किस फीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करते हैं YouTube पर या फिर उसको ब्राउज फीचर से देखते हैं, तो उसके नीचे जो भी वीडियोस आती हैं उन्हीं को हम सजेस्टेड वीडियो कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसके नीचे सारी मेरी वीडियो आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे फर्स्ट वाली वीडियो भी मेरे चैनल की, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, फोर्थ वन भी और फिफ्थ एंड सिक्स सेवन वीडियो आपको मेरे चैनल की दिखाई दे रही है मेरी मेन वीडियो के नीचे। ये सारी वीडियो आपको सजेस्टेड की कैटेगरी में मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रिक को जानेंगे कि किस तरह हम अपने वीडियो के नीचे अपनी वीडियो को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए आपको बस एक ही ट्रिक पर काम करना है। आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो भी नोटपैड होता है आपको उसको ओपन करना है, और उसके बाद आपको हर एक वीडियो के लिए पर्टिकुलर एक डिस्क्रिप्शन को तैयार करना है। आपको इस टाइप की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि उसमें आपको सबसे पहले अपने टैग्स लगा देने हैं, ऊपर अपने बारे में कुछ लिख देना, उसके बाद अबाउट दिस चैनल, अबाउट दिस वीडियो, अदर रिलेटेड सर्च टर्म्स, इस तरह का आपको सब कुछ बना लेना, और लास्ट में आपको अपने सोशल मीडिया लिंक्स दे देने। उसके बाद आपको अपना मेन काम करना है, वो है कि आपको अपना जो भी आपका चैनल है उसका नेम लिखना है, उसके आगे हैशटैग लगाना है और इसको एज ए टैग यूज़ करना है। इसके बाद जब भी आप अपनी वीडियो को पब्लिश करोगे यूट्यूब पे, तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन को सारी वीडियोस में लगाना है। इससे बेनिफिट होगा आपको, जब भी कोई पर्सन आपकी एक वीडियो को क्लिक करेगा या फिर उसको वॉच करेगा उसके नीचे आपकी वीडियोस आएंगी। तो फ्रेंड्स, बट ये सारी ट्रिक एक दिन में काम नहीं करती, इसको काम करने में लगभग 1 वीक का टाइम लग जाता है, क्योंकि यूट्यूब को भी समझने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद ही आपको इस ट्रिक का बेनिफिट मिलेगा और आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि आपकी सारी वीडियो सजेस्टेड में आ रही हैं। इसके अलावा जब भी आप अपने वीडियो का टाइटल लिखते हो या फिर वीडियो में टैग्स लगाते हैं, तो आपको हमेशा अपने टैग्स में और अपने टाइटल में अपने चैनल का नाम लिखना है। इससे भी आपको बेनिफिट होगा और YouTube को जल्दी समझ आ जाएगा कि ये सारी वीडियोस आपकी के चैनल की हैं। तो हम एग्जांपल के लिए एक और वीडियो देखते हैं। तो हम देखते हैं सी अर्निंग ऑफ मनोज देव, ये वाली वीडियो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या इसके नीचे मेरी वीडियो सजेस्टेड में आती हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली वीडियो है बेस्ट अर्निंग ऐप की, वो मेरे चैनल की है। उसके नीचे वाली पेटीएम वाली भी मेरे ही चैनल की है, और थर्ड एंड फोर्थ वाली भी मेरे ही चैनल की है। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो के नीचे 3 वीडियो मेरे ही चैनल की वीडियो आपको सजेस्टेड में आई है। तो आज की अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। इससे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।